तो हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल टेक्निक एंड धर्म में। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निक को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज फ्रेंड मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निक को सब्सक्राइब कर ले और साथ साथ बेल बटन को दबाना ना भूले ताकि मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। एंड फ्रेंड, मैं आपका सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ क्योंकि फ्रेंड आपके सपोर्ट से और आपके प्यार से जो है मेरे 1000 सब्सक्राइब कंप्लीट हो चुके हैं। तो मैं अपनी तरफ से आप सभी को जो है बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ क्योंकि फ्रेंड आपने इतना सपोर्ट किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, तो फ्रेंड आपका बहुत बहुत धन्यवाद 1000 सब्सक्राइबर के लिए। तो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सिंपली 100 ऐप के बारे में क्योंकि फ्रेंड मेरे पास जो है काफ़ी कमेंट आते हैं कि मैं अपना 1 ऐड से जो है बैलेंस पेटीएम में कैसे ट्रांसफ़र करूं। तो फ्रेंड आज ये वीडियो इसी के बारे में है। तो फ्रेंड मैं आपको सबसे पहले बता दूं, मैं वीडियो उन्हीं के लिए बना रहा हूं जिनको ये पता नहीं कि 1 ऐड से जो है पेटीएम में पैसा कैसे ट्रांसफ़र करें क्योंकि फ्रेंड मेरे पास कमेंट आता है तो मैं वीडियो बना रहा हूं। तो आप ये ना सोचिए जिनको आता है कि ये वीडियो मेरे को पता है कि 1 ऐड से जो है पेटीएम में पैसा कैसे ट्रांसफ़र करते हैं, तो फ्रेंड मैं ये वीडियो उनके लिए नहीं है, ये वीडियो उन्हीं के लिए है जिनको पता नहीं कि 1 ऐड से जो है पेटीएम में पैसा कैसे ट्रांसफ़र करें। तो चलिए फ्रेंड वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जो है आपका 1 ऐड ऐप डाउन ओपन कर लेना है। अगर आपने 1 ऐड ऐप जो है अभी भी डाउनलोड नहीं किया हो तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं और साथ ही साथ आप रेफर कोड की आवश्यकता होगी, आपको रेफर कोड भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो फ्रेंड आपको सबसे पहले जो है 1 ऐड ऐप ओपन कर लेना है। ओपन फ्रेंड आप करोगे तो आप मैंने यहाँ पर स्क्रीन पे देख सकते हो आपके सामने जो है 1 ऐड का ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इसके बाद में फ्रेंड आपको क्या करना है, जो यहाँ पर ऊपर 3 डॉट का आइकन दिख रहा होगा आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हो फ्रेंड तो आपके सामने कुछ ऐसा न्यू इंटरफेस ओपन हो जाता है। न्यू इंटरफेस ओपन होने के बाद में फ्रेंड आपको क्या करना है, फ्रेंड आपको जो यहाँ पर साइड में माय बैलेंस का ऑप्शन दिख रहा है आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसा आप इसके ऊपर क्लिक करते हो फ्रेंड तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाता है। इसके बाद में फ्रेंड आप यहाँ पर व्यू हिस्ट्री के ऊपर जो आपका बैलेंस है, व्यू हिस्ट्री के ऊपर आप जो है क्लिक करके आपका जो नेटवर्क है, व्यू हिस्ट्री जो बैलेंस आता है आपका, वो चेक कर सकते हो। इसके बाद में आपके सामने जो है दो जो आपका बैलेंस है उसके सामने दो चीज़ें दिखाई दे रही है, एक तो रिडीम और एक आर माई नेटवर्क। तो आप जैसे ही रिडीम के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाता है, आपके सामने दो जो। तो फ्रेंड मैं सबसे पहले बता दूं आपको, आपके फ़ोन में जो है पेटीएम ऐप ओपन होना चाहिए, इंस्टॉल होना चाहिए, उसकी फुल KYC एंड मेनी KYC कंप्लीट होनी चाहिए, तभी आप जो है 1 ऐड से पेटीएम में पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो फ्रेंड आप जो है 1 ऐड ऐप ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद में आपके पास जो है पेटीएम ऑलरेडी होगा, अगर नहीं है तो आप जो है पेटीएम ऐप डाउनलोड कर लें और उसकी जो है मेनी KYC एंड फुल KYC भी जरूर कम्प्लीट कर लें। तो फ्रेंड आपको क्या करना है, जो 1 ऐड आप इंस्टॉल करेंगे वो उन्हीं नंबरों से इंस्टॉल करना है आपको जिस नंबरों से आपका जो है पेटीएम इंस्टॉल है, क्योंकि फ्रेंड अगर आप अदर नंबर से इंस्टॉल करते हैं और आप जो है अदर नंबर से आपके पेटीएम में जो दूसरा नंबर है उन पे अगर आप पैसा सेंड करते हैं तो आपका पैसा उन पेटीएम नंबरों पर नहीं जाएगा, आपका उन्हीं नंबरों से 1 ऐड और उन्हीं नंबरों से आपका जो है पेटीएम ऐप ओपन होना चाहिए, तभी आपका जो है पैसा 1 ऐड से पेटीएम में ट्रांसफ़र होगा। आपके पास जो है दो ऑप्शन आ चुके हैं, पेटीएम एंड बैंक अकाउंट। तो फ्रेंड आपको सिंपली क्या करना है, पेटीएम के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में फ्रेंड आपके जो 1 ऐड के पासवर्ड है वो एंटर करना है। एंटर जैसे आप करोगे तो आपके सामने जो अमाउंट का भी ऑप्शन आ जाएगा, तो आप जो है 1 ऐड से पेटीएम में केवल 25 रुपीज़ ही ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो आप वहाँ पर अमाउंट डाल सकते हैं 25 रुपीज़ एंड आपके जो 1 ऐड के पासवर्ड है वो एंटर कर दीजिए। एंटर करने के बाद में आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड आपके सामने कन्फर्म का ऑप्शन आएगा, तो आप कन्फर्म के ऊपर क्लिक करके आपका जो बैलेंस है वो चला जाएगा पेटीएम अकाउंट में। तो फ्रेंड ये वीडियो यही तक था। और फ्रेंड मैं आपको बता दूं, अगर आप 1 ऐड ऐप डाउनलोड करते हैं तो आप उन्हीं नंबरों से करें जिन नंबरों से आपका पेटीएम अकाउंट है, क्योंकि फ्रेंड अगर आप अदर नंबरों से अगर जो है 1 ऐड ऐप डाउनलोड करते हैं तो आप उससे जो है पेटीएम में बैलेंस ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। आई थिंक आपको वीडियो बहुत पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए फ्रेंड तो वीडियो को लाइक और हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निक को जरूर सब्सक्राइब करें। एंड फ्रेंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई